नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जुलाई बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। 1 अगस्त 2021 से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलीडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा। अब आपकी सैलरी छुट्टी के दिन नहीं रुकेगी। महीने की 31 या पहली तारीख रविवार के दिन होती है तो भी उस दिन सैलरी आपके खाते में आ जाएगी। अब वर्किंग डे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगा। जानकारी के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित NACH के माध्यम से ब्लॉक पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि की भुगतान होता है। 1 अगस्त से NACH की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकेंगी। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि धन के लालच में साधु की हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि एक मौनी साधु पैसों की पोटली दे गया था। मृतक साधु के पास 60 से 70 हज़ार की पोटली दे गया था। आरोपियों ने पैसों की पोटली सुनी तो हत्या का प्लान बनाया। हत्या करने के लिए आरोपी जंगल से कई किलोमीटर पैदल भी चले। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह से करीब 25 बाइक, एक पिकअप को बरामद किया है। इस गिरोह के मुखिया सहित 6 जनों को पकड़ा गया है। इसमें से 3 किशोर भी शामिल हैं। ASP प्रीति जैन ने बताया कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में लगातार वाहनों की चोरी की वारदातें हो रही थी। पुलिस ने बताया कि मामले में सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र उर्फ सनेदिया निवासी कौला, संदीप टाक निवासी कौला और संदीप कुमार निवासी 44 NDR चाननराम और जेठाराम को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इनके 3 और साथी किशोरों को भी निरुद्ध किया गया है। इस गिरोह में 25 बाइक और एक पिकअप बरामद कर लिया है। जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के सिखाला के मैरिया गांव में एक गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए। पानी के गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक बच्चा अचेत हो गया। ग्रामीणों ने अचेत बालक को उम्मेद अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि मृत बच्चे के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। टोंक जिले के टोडा राइसिंग थाना क्षेत्र में नई नियोक्ता कंपनी की जाति से क्रामिक परेशान हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट केस के बावजूद भी कंपनी ने क्रामिकों की छटनी कर दी। कंपनी ने 130 में से 95 लोगों की लिस्ट मेन गेट पर चिपका दी। नौकरी से निकाले जाने पर खफा क्रामिक धरने पर बैठ गए। सभी 130 क्रामिक सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए। हाल ही में फिल्टर प्लांट का ठेका GCKC कंपनी के पास आया था। इससे पूर्व L&T कंपनी सूरजपुरा प्लांट की व्यवस्थाओं का संचालन करती थी। सूरजपुरा प्लांट से जयपुर, टोंक सहित अन्य जिलों को पानी दिया जा रहा है। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई ने शपथ ले ली है। वह पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की जगह लेंगे। शपथ लेने से पहले बसवराज ने कहा कि उन्हें येदियुरप्पा के लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा। यही नहीं, शपथ लेने के बाद बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। 2 दिन पहले ही BJP की स्टेट यूनिट और सरकार में खींचतान के बीच BS येदियुरप्पा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे की एक वजह बढ़ती उम्र भी बताई जा रही है। BS येदियुरप्पा के करीब कहे जाने वाले बोम्मई को CM बनाकर BJP ने पूर्व CM और लियांगत समुदाय दोनों को ही साधने का प्रयास किया है। बोम्मई भी उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं जिससे येदियुरप्पा का ताल्लुक था। ACB इन दिनों पूरे राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। वहीं ACB अब घोटालों के पेंडिंग मामलों को भी निपटाने में भी जुटी है। इसी कड़ी में ACB ने कोटा में वर्ष 2016 में किसानों का अनाज खुर्द-बुर्द कर ठिकाने लगाने वाले तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ घोटाले की जाँच करने के बाद उन्हें बतौर आरोपी नामजद कर लिया है। ACB सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में कोटा और बूंदी के किसानों को राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन की ओर से गेहूं के बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत गेहूं की किस्म 4037 और 4120 का बीज दिया गया था। फसल तैयार होने पर किसानों ने 52,000 क्विंटल गेहूं का बीज बजरंग नगर स्थित बीज प्लांट में जमा करवा दिया था। प्लांट में ग्रेडिंग के बाद बीज योग्य गेहूँ को तो बीज निगम ने अपने पास रख लिया। ग्रेडिंग के बाद अंडरसाइज गेहूँ को किसानों को लौटाना था लेकिन बीज निगम के अधिकारियों ने गेहूं को वापस नहीं लौटाया और खुर्द बुर्द कर दिया था।
प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कि जबरन तो कोई मेरी गर्दन नहीं ले सकता, प्यार से मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूँ, रस का मतलब माटी से है, मैं इस माटी का सपूत हूँ। वर्ष 2004 में जब मैं पहली बार कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब से आज तक मैं अपने घर नहीं बैठा, सड़क पर पार्टी के लिए संघर्ष किया है। माकन जी के फीडबैक से अमृत निकलेगा, यह अमृत कितने किसे कितना मिलेगा यह वह नहीं कह सकते हैं। राजधानी जयपुर के दो थाना क्षेत्रों में दो सुने मकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी समेट कर ले गए। बांकरोटा व करधनी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कमला नेहरू नगर बांकरोटा निवासी सीमा वर्मा का परिवार रिश्तेदार में गया था। पीछे से चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाकर अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ली। इधर करधनी थाने के बैनार रोड करधनी निवासी रामनिवास गुज्जर के सुने मकान से सोने चांदी के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू जिले के बीदासर थाना क्षेत्र में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता ने थाने में रिपोर्ट देते हुए आरोपी रामरतन पर शादी तोड़वाने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।